दोस्तों बात कर रहे तो आजकल के मोबाइल फोन के प्रोसेसर इतने ज्यादा फास्ट हो गए कि GTA 5 जैसा गेम भी मोबाइल फोन के अंदर यहाँ पे चला पाना पॉसिबल है। 5G की स्पीड भी तगड़ी हो गई है और AI की कई सारी कैपेबिलिटीज का भी सपोर्ट आ गया है। लेकिन बात बताऊं, ये सिर्फ एक शुरुआत है और मोबाइल फोन के प्रोसेसर जिस डायरेक्शन में मूव ऑन कर रहे हैं ना, कहीं देख के ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में कुछ लैपटॉप के प्रोसेसर से भी ज्यादा यहाँ पे आगे निकल जाएंगे, क्योंकि डेवलपमेंट यहाँ पे बहुत ज्यादा तेज हो रहा है। सबसे पहले कुछ खास बातें, आज के समय में जो सबसे ज्यादा पॉपुलर हम फ्लैगशिप प्रोसेसर की बात करें, चाहे स्नैपड्रैगन, मीडियाटेक या एप्पल, तीनों की बात कर ले, तीनों ही TSMC के 3nm प्रोसेस में बेस्ड है और ये प्रोसेस और ज्यादा इवॉल्व होगी और कहा जा रहा है कि 2026 में आपको 2nm बेस्ड चिप्स भी यहां पे आपको देखने को मिल जाएंगी, जो बहुत ही ज्यादा सही चीज होती है, यानी कि पावर एफिशिएंसी भी अच्छी होगी और ये वो चिप्स होंगी जहां पे आपकी थर्मल मैनेजमेंट अच्छा होगा, हीटिंग और कम निकलेगी और बैटरी लाइफ ज्यादा निकलेगी। आप खुद सोच के देखिए कि सिलिकॉन कार्बन में 7000-8000 mAh की बैटरी डाल दी, 2nm चिप यहां पे डाल दी, उसका इम्पैक्ट जो पड़ेगा यहाँ पे बैटरी के ऊपर, परफॉर्मेंस के ऊपर, वो किस लेवल का पड़ेगा। इसके साथ ही बात करें तो यहाँ पे ग्राफिक्स की परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा तेजी से इंप्रूव हुई है, जिसके अंदर जो GPU रहता है, चाहे मैं Qualcomm या MediaTek की बात करें, ये इतने ज्यादा एडवांस हो चुके आज के समय में कि आपकी ना रेड रेसिंग के अंदर भी गेमिंग यहाँ पे करवा सकते हैं। और एक झलक आप ये देख सकते हैं कि GTA 5 इम्यूलेट करके यहाँ पे गेमिंग भी करना यहाँ पे पॉसिबल हो गया। खैर, ये सारी चीजें और ज्यादा बेटर होंगी और कंसोल लेवल के जो ग्राफिक्स रहते हैं वो तो अब मोबाइल फोन के अंदर आएंगे ही आएंगे, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी अब यहाँ पे आ पाना पॉसिबल है। और उसके पीछे का रीजन ये है कि कंसोल के अंदर जिस तरीके के ग्राफिक्स होते थे, अब मोबाइल फोन की चिप भी उसी कैपेबल हो रही है, क्योंकि आने वाले समय में हैंडहेल्ड डिवाइसेस बढ़ेंगे और VR हेडसेट्स बढ़ेंगे और उनके लिए भी इन्हीं चिप्स का यहाँ पे यूज किया जाएगा, जिसके अंदर ये चिप अब इस कैपेबल होगी कि 4K क्वालिटी में हाई रिफ्रेश रेट में गेमिंग भी करवा सके। वेल, ये छोटी सी झलक होगी। इसके साथ ही बात करें तो 5G की टेक्नोलॉजीज भी बेटर हो रही है। करेंटली बात करें तो 2025 में अब चिप्स के अंदर 5G एडवांस या फिर कहूं 5.5G की टेक्नोलॉजीज ऑलरेडी अवेलेबल है, जिसका बेनिफिट ये कि आपको बेटर स्पीड विथ लोअर बैटरी कंजम्पशन एंड लोअर हीट, ये मेजर चीज रहेगी, जिस कारण से जो चिप्स होंगी आने वाले समय में और ज्यादा यहाँ पे बेटर होंगी। और इसी के साथ ही बात कैसे ना करें AI की। देखो, AI एक ऐसी चीज है जो बहुत ज्यादा आगे निकल कर आई थी और आज के समय में डिवाइस के अंदर प्रोसेसिंग बहुत तेज से हो रही है, चाहे इमेज जनरेशन बात करें, चाहे फोटो एडिटिंग के अंदर बात करें, या फिर आपको डेटा यहाँ पे एग्जैक्ट तरीके से पैच करने के बारे में बात करें या लैंग्वेज ट्रांसलेशन के बारे में बात करें, ये कुछ ऐसी चीजें जो ऑन डिवाइस यहाँ पे पॉसिबल है। और आज के समय में डिवाइस इस कैपेबल हो गए कि एक छोटा सा SLM यानी कि स्मॉल लैंग्वेज मॉडल को भी यहाँ पे रन कर ले, यानी कि अगर आप एक काम किसी चैटबॉट के थ्रू कर रहे थे, अगर वो इंटरनेट से कनेक्टेड है, शायद इन सब की जरूरत भी आना पड़े। लेकिन बात की जाए तो जितनी टेक्नोलॉजीज के बारे में बात करी, ये अभी की है, आने वाले फ्यूचर में तो इससे भी ज्यादा इंसान होने वाला है। जैसे की बात करें, रूमर तो ये चल रहा है कि 2026 में 2nm बेस्ड टेक्नोलॉजी रहेगी और 2027 से लेकर 2030 के बीच में 2nm, 1.5 इवन 1.4nm प्रोसेस भी आपको देखने को मिलेगी, बिल्कुल, जिसका मतलब है कि और ज्यादा एफिशिएंट होंगी, और ज्यादा फास्ट होंगी प्रोसेसर और बेटर थर्मल स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी, मतलब कि बड़ी बैटरी लाइफ, कमाल की परफॉर्मेंस, सब कुछ, वो भी पतले से छोटे से फॉर्म फैक्टर के अंदर। लेकिन इसका एक नुकसान बताऊं क्या हो सकता है, वो पड़ सकता है आपकी मोबाइल फोन की कीमत पे, यानी कि बात करें तो मोबाइल फोन के अंदर ऑलरेडी जो सबसे पहला का कंपोनेंट हुआ करता था कुछ समय पहले, वो डिस्प्ले हुआ करता था, लेकिन मोबाइल फोन के प्रोसेसर के रेट अब इस तरीके से बढ़े कि आमतौर पे एक मोबाइल फोन का प्रोसेसर अगर Snapdragon 8 Elite लेने जाऊंगा, 150 से 160, 170, 180 डॉलर तक का पड़ सकता है, जिसके अंदर उसकी कीमत सबसे ज्यादा निकल जाती है, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव कंपोनेंट हो जाता है। और कई सारे मोबाइल फोन के अंदर सबसे महंगा जो कंपोनेंट होता है वो होता है उसका प्रोसेसर, अगर उसकी कीमत अगर उसी डायरेक्शन में बढ़ती रही, क्योंकि जो TSMC की प्रोसेस होगी वो महंगी पड़ेगी, यहाँ पे इसकी डिजाइनिंग की कॉस्ट आएगी, R&D कॉस्ट आएगी और सारी चीजें मिला के देखेंगे ना तो आपको ना ज्यादा कीमतें देनी पड़ेंगी, जिसका मतलब आप यहाँ पे ये समझिए कि यहाँ पे आने वाले समय में जो मोबाइल फोन होंगे फ्लैगशिप वाले, उनके अंदर कीमतों में और ज्यादा इंक्रीज यहाँ पर आ सकता है, तो वो तो एक फैक्टर यहाँ पर होने वाला है, लेकिन बदले में आपको कमाल की एफिशिएंसी और ये सब देखने को मिलेगा। इसके साथ ही बात करें तो आने वाले समय में एक जो नई टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी वो होगी 6G। हालांकि 6G तो अभी हम दूर है, लेकिन मैं आपको इस बात के बारे में एक हिंट दे सकता हूं कि आने वाले 3 या 4 साल के अंदर पहला 6G मोबाइल फोन का प्रोसेसर हमें देखने को मिलने वाला है, और एक Qualcomm, MediaTek, किसी की तरफ से भी हो सकता है, लेकिन आने वाले 3 से 4 साल के अंदर इसकी यहां पर एक बहुत बड़ी एंट्री होने वाली है और 6G एक ऐसी चीज होगी जो 2030 से पहले ही हमारे हाथों के अंदर होगी, ये बात आप मान के रखिए। तो खैर, यहां पर इस तरीके का काम तो इधर हो रहा है, लेकिन इसके साथ ही सबसे बड़ा जो काम हो रहा है वो हो रहा है आर्टिफिशियल
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके आप बिलीव नहीं कर सकते कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर अब इतने ज्यादा टास्क यहाँ पर हो गए जहाँ पे फोटो एडिटिंग वगैरह तो पीछे जमाने की चीज लगेंगी, लेकिन पूरा का पूरा LLM अगर एक मोबाइल फोन यहाँ पे चला ले, वेल ऑलरेडी NPU इतने ज्यादा पावरफुल हो रहे हैं कि यहाँ पे एक हाई परफॉर्मेंस टास्क यहाँ पे कर पाए और LLM वाली चीज को यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे परफॉर्म कर पाए, ये भी एक काफी बड़ा एडवांसमेंट होने वाला है। और सिर्फ CPU GPU की बात नहीं है, यहाँ पे इमेज सिग्नल प्रोसेसर हो गया, इमेजेस की प्रोसेसिंग होगी, वहां पर भी क्रेजी इंप्रूवमेंट आने वाले जिस कारण से मोबाइल फोन आपको रियल टाइम में वो दिखा पाएगा कि किस तरीके की इमेज वो यहाँ पे कैप्चर कर पा रहा है, और AI का यूज करके ये चीजें बहुत ज्यादा और एडवांस होने वाली है। लेकिन सबसे बड़ा जो चेंज यहाँ पर आने वाला है ना आने वाले समय में जो स्मार्टफोन प्रोसेसर के होगा, वो होगा कि ये प्रोसेसर अब और ज्यादा एडवांस होंगे और इनकी टेक्नोलॉजी यूज की जाएगी दूसरी जगहों पे जहाँ पे हाई परफॉर्मेंस की जरूरत पड़ेगी, लेकिन डिवाइस का फॉर्म फैक्टर अलग होगा। मैं बात करूँ स्मार्ट ग्लासेस की, यानी कि AI पावर्ड ग्लासेस अब ऐसे तरीके के होंगे जो आपकी ऑन डिवाइस SLM को भी चला पाए, प्रॉपर ऑपरेटिंग सिस्टम को भी रन कर पाए और एक मोबाइल फोन की भी जरूरत ना पड़े, और ये वही टेक्नोलॉजी होगी जो आपकी मोबाइल फोन से निकल के आपके ग्लासेस के अंदर आने वाली है। ये भी एक डायरेक्शन होने वाला है फ्यूचर में। इसके साथ ही वेरिएबल टेक्नोलॉजी जैसे कि आपकी रिंग हो गई उसके अंदर एक हाई एंड प्रोसेसर, या फिर एक वॉच हो गई उसके अंदर भी एक हाई एंड प्रोसेसर, लेकिन ये प्रोसेसर परफॉर्मेंस के साथ साथ बैटरी भी बचाएगा, जिस कारण से ऐसे छोटे छोटे डिवाइसेस के लिए टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा एडवांस रहेगी। यानी कि वेरिएबल टेक्नोलॉजी ऐसी चीज जिसे आप पहन के घूम सके उसके अंदर ये चीज यहाँ पे काफी ज्यादा कमाल करने वाली है, और डेफिनेटली इन डायरेक्शन के अंदर जो प्रोसेसिंग होती है ना वो काफी ज्यादा इंक्रीज होगी। और देखा तो सर यहीं तक सवाल नहीं है, यहाँ पे आपको प्रॉपर एंड्रॉइड ऑटोमोटिव OS के साथ एक चिप देखने को मिलेगी आपकी कार के अंदर भी। ये भी कुछ चीजें रहेंगी आने वाले फ्यूचर में जो प्रोसेसर के अंदर काफी ज्यादा एडवांसमेंट लेकर आने वाली है। और इसी के अलावा बात करें तो आपके ना चारों तरफ चीजें और ज्यादा बेटर और ज्यादा बैटरी एफिशिएंट हो जाएंगी, और देखने वाली बात रहेगी कि चिप्स के साथ जो नई टेक्नोलॉजी आएगी इसकी आपको एग्जैक्टली में कीमत यहाँ पे कितनी देने को पड़ती है। शुरुआत में तो बात पता है कि कोई भी नई चीज आती है उसकी कीमत काफी ज्यादा होती है, लेकिन समय के साथ साथ जब चीज एकदम से मेन स्ट्रीम हो जाती है ना तो उसकी कीमत काफी ज्यादा यहाँ पे गिर जाती है। देखते हैं आने वाले फ्यूचर में किस डायरेक्शन में यहाँ पे काम होता है। और देखा तो मोबाइल फोन के प्रोसेसर होते हैं ना आज के समय में वो डायरेक्शन यहाँ पे डिसाइड कर रहे हैं जो एक जमाने में आपके PC वाले प्रोसेसर यहाँ पे क्रिएट किया करते थे। और सच बात यह कि आज के समय में टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट अब ऐसे तरीके का है कि यहाँ पे ARM जैसे डिजाइन जब मोबाइल फोन के प्रोसेसर से निकल के जब लैपटॉप्स में जाने लगा है तो वहां पर भी देखने वाली बात हो कि वहां पे वो किस तरीके से परफॉर्म करता है। देखते हैं आने वाले फ्यूचर में और क्या क्या चीजें देखने को मिलती है। यहाँ पे आपके Qualcomm का Snapdragon, MediaTek की डिवेंसिटी भी देखने को मिलेगी, एप्पल की नई चिप्स भी देखने को मिलेंगी, और तो और इंटेल और AMD भी अपने आर्किटेक्चर के अंदर और भी ज्यादा इंप्रूवमेंट करते रहेंगे। तो यार दोस्तों यार ये कुछ कहानी होने वाली है फ्यूचर में प्रोसेसर्स की, और देखने वाली बात है कि जो ऑलरेडी जो प्रोसेसर वाला मार्केट है वो काफी ज्यादा आगे निकल गया। बाय द वे आप लोगों से एक सवाल है, आप लोग को अगर इतनी हाई एंड परफॉर्मेंस आपके हाथ में दे दी जाए, यानी कि ऐसी परफॉर्मेंस जिसपे आप GTA 6 जैसा गेम मान लो फ्यूचर में आप चला लो, तो उसका आप क्या यूज करोगे नीचे कमेंट में बता सकते हो। और वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया है और कुछ नया सीखने को मिला है, कुछ नया जानने को मिला है, तो सब्सक्राइब करें, बार कहीं मत जाना। थैंक यू बने रहने के लिए, मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।